स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री ऑफ एशिया अकॉर्डिंग टू मी इज़ चाइना, क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट कोई भी कंट्री तभी होती है जब वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होती है. और चाइना इस वक्त स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री इन एशिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आप कह सकते हो. रूस, रशिया, अमेरिका के साथ जो कंपीट कर रही है वो चाइना ही है. तो जो आपके लिए चाइना की चीज़ें जो हमें दो नंबर मिलती है, या चले तो चांद तक ना चले तो शाम तक वाला, वो ये है कि चाइना आप पाकिस्तान के लिहाज से देख रहे हैं ना. आप पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे हर चीज़ दो नंबर आती है. आप चाइना, यहाँ पे चाइना के मेड इन चाइना लिख के पाकिस्तान में बना के घरों में बना के लोग चीज़ें भेजते हैं. हाँ, इमर्जिंग इकोनॉमीज में सबसे पहले तो इंडिया है आई थिंक, क्योंकि अब ये टॉप 5 में ना इसका नाम आ चुका है इंडिया का. जहाँ तक बात है हमारे कंट्री के डिफ़ॉल्ट होने की, तो आई डोंट थिंक सो कि ये डिफ़ॉल्ट होगा, क्योंकि पाकिस्तान में ना इतना पोटेंशियल है कि ये ग्रो कर सकता है. चाइना को ही देख सकता हूँ, जहाँ तक मुझे लगता है चाइना ही है, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा जो है वो ग्रो कर रही है और उसके प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में जो है वो घूम रहे हैं, स्पेशली पाकिस्तान में. Hello viewers, assalamu alaikum Pakistan, namaste India, this is your host Shabna Adel and you're watching my YouTube channel. और आज पाकिस्तानियों से एक different सवाल करने आए हैं और उनसे ये पूछते आए हैं कि एशिया की बात करें तो प्रोड्यूसर्स ऑफ एशिया में उनको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जो इस वक्त एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा डोमिनेट कर रही है, इकॉनमी वाइज जो है वो एक्सेल कर रही है और फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री के तौर पर नक्शे में उभर रही है. तो ये सारे सवाल जो है आज हम अपनी आवाम से करने आए हैं और जानने आए हैं कि उनका क्या पर्सपेक्टिव है, क्या ख्याल करते हैं और क्या सोचते हैं. तो चलते हैं आवाम की तरफ, जानते हैं उनका ओपिनियन. हमारे साथ रहे, इसी के साथ साथ अगर आपको शेयर करना चाहते हैं, कुछ भी बताना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. सर, आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं. सवाल ये है कि हम लोग बात कर रहे हैं एशिया की, तो आपके ख्याल में एशिया की जब हम बात करते हैं तो क्या लगता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री ऑफ एशिया कौन सी? स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री ऑफ एशिया अकॉर्डिंग टू मी इज़ चाइना, क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट कोई भी कंट्री तभी होती है जब वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होती है. और चाइना इस वक्त स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री इन एशिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आप कह सकते हो. रूस, रशिया, अमेरिका के साथ जो कंपीट कर रही है वो चाइना ही है. अच्छा सर, अगर हम लोग बात करें चाइना की, तो पिछले कुछ अरसे के अंदर चाइना जो है वो काफ़ी एक स्लम का शिकार रहा है, क्योंकि एक तो कोविड की जो सिचुएशन थी वो ओवरकम नहीं हो सकी, जिसकी वजह से बहुत सारा जो है लॉस का सामना करना पड़ा. इवन के प्रेसिडेंट ऑफ चाइना ने भी कहा कि हम लोग जो इस वक्त क्राइसिस में चल रहे हैं, उसके बाद जो है काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज ने शिफ्ट किया. एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि हम लोग बींग इन बेस्ट अलाय ऑफ चाइना, हम लोग खुद कह रहे होते हैं कि चाइना का माल चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, तो क्वालिटी वाइज भी जो है ना क्वेश्चन किया जाता है चाइना की क्वालिटी को. तो आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं कि स्टिल आपको लगता है कि जो चाइना है वो अपना जो है ट्रस्ट डेवलप करने में कामयाब रही है? जी, और पहली बात तो आपने की कि चाइना में कोविड आया था, पूरी दुनिया में उसका इफेक्ट हुआ था, पूरी दुनिया मुतासर हुई थी, सिर्फ चाइना नहीं हुआ था, लेकिन चाइना ने कम बैक किया उससे. और मेरे हिसाब से जिस तरह से चाइना वहाँ पर स्टार्ट था और वहाँ पर केसेस भी बहुत ज़्यादा थे शुरू में, लेकिन चाइना ने जिस तरह से उस पर कंट्रोल किया और उसको फिर अभी आप देखें चाइना फिर से सही चल रहा है वहाँ पे सारे मामला. और दूसरी बात जो आपके लिए चाइना की चीज़ें जो हमें दो नंबर मिलती है, या चले तो चांद तक ना चले तो शाम तक वाला, वो ये है कि चाइना आप पाकिस्तान के लिहाज से देख रहे हैं ना. पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर हर चीज़ दो नंबर आती है. आप चाइना, यहाँ पर चाइना के मेड इन चाइना लिख के पाकिस्तान में बना के घरों में बना के लोग चीज़ें भेजते हैं. चाइना की भी अच्छी चीज़ें बनती है लेकिन वो यहाँ पाकिस्तान में नहीं आती है, क्योंकि पाकिस्तान सस्ती चीज़ें लेता है. और जाहिर है जो चीज़ आप एक चीज़ लाख रुपए की है वो चाइना आपको 10 या 20 हज़ार में दे रहा हो, तो वो उसकी फिर वो क्वालिटी तो नहीं होगी जो आप एक्सपेक्ट करते हो. चाइना, ओके फाइन, आई गॉट इट. लेकिन सर हम लोग यहाँ पर बात एक और करते हैं. सिचुएशन ये है कि वर्ल्ड वाइड बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है वो चाइना से शिफ्ट होकर इंडिया में गई, जिसमें हम लोग सैमसंग की बात कर लेते हैं, हम लोग आईफोन की बात कर लेते हैं. तो आपके ख्याल में वो क्यों शिफ्ट हुई? अगर चाइना में उन लोगों को तमाम तरह सर्विसेज प्रोवाइडेड थी तो फिर उन्होंने शिफ्ट क्यों किया? इंडिया दूसरे, क्योंकि आप जो सवाल आपका पूछा था उसमें दूसरी कंट्री मेरी लिस्ट में इंडिया ही थी, क्योंकि इंडिया इस वक्त आप देखा जाए तो इंडिया टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत आगे जा रहा है. गूगल पे देख ले आप, अमेजोन में देख, जिस चीज़ में भी देख ले, इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है. उसके अलावा दूसरी चीज़ें हैं जो आप स्पोर्ट्स की फील्ड देखें, इंडिया में लोग पाकिस्तान तो फिर कंपटीशन में आता ही नहीं है इसके, लेकिन इंडिया में लोग मेहनत कर रहे हैं, इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है और वहाँ पर आप IT के लिहाज से आजकल इंडिया बहुत आगे जा रहा है. तो इंडिया इज़ वन ऑफ द पावरफुल कंट्रीज इन एशिया. टॉकिंग अबाउट इंडिया, व्हाट डू यू थिंक कि जो चाइना से शिफ्ट होकर इंडिया में शिफ्ट हो रही है इंडस्ट्री, तो इवन के एज अ होल भी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर एक इंक्रीज है और एक बीम नज़र आया हमें, तो आपको क्या लगता है कि ये जो एक यू नो इंटरनेशनली ट्रस्ट किया जा रहा है और एक इंटरनेशनल टिल्ट नज़र आ रहा है इंडिया की तरफ, ये क्यों है? और आपको क्या लगता है कि इन कमिंग 5 ईयर्स इंडिया कहाँ पर स्टैंड करेगा? देखो, इंडिया
नहीं क्यों है ये चीज़ें, इसलिए है क्योंकि इंडिया के लोग प्रोडक्टिविटी की तरफ जा रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी में वो जो रियल लाइफ चीज़ें हैं वो कर रहे हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के लोग अभी तक टिकटॉक या फजूल जो कंट्रोवर्सी से बाहर नहीं निकल रहे। आप हमारी पॉलिटिक्स उठा के देख ले, आप हमारी दूसरी जो भी इंडस्ट्रीज है आप देख ले, आप हमारे सिस्टम्स देख ले, जो हमारा सिस्टम है हेल्थ सिस्टम देख ले, आप अदलिया का निज़ाम देख ले, हर चीज़। लेकिन इंडिया इस तरह नहीं, इंडिया चीज़ों को पाकिस्तान के, इंडिया के लोग ईमानदार है, वो लोग प्रोडक्टिविटी की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए जाहिर है उनका, उनकी तरफ जो इंटरनेशनल मार्केट है उसका फ्लो भी उसकी तरफ जा रहा है जहाँ पे काम होता है। टॉकिंग अबाउट द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज, पाकिस्तान आपकी लिस्ट में कहाँ है? पाकिस्तान मेरे लिस्ट में एंड पे है, क्योंकि पाकिस्तान इस टाइम जो है कर्जे में है। पाकिस्तान खुद अभी पाकिस्तान की इंस्टॉलमेंट से जो अभी नहीं भरी है, तो एक कंट्री जो किसी और मुल्क के गिरवी है वो कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकती है? मेरे ख्याल में पाकिस्तान शायद आती होगी कोई छठे सातवें नंबर पे, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। आपको क्या लगता है सर, अगर हम लोग इकॉनमी की बात करें तो इकॉनमी में हम लोग किस चीज़, इकॉनमी को ग्रो करने के लिए, अपने रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, अपने सिस्टम्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें क्या स्टेप्स लेने की अब जरूरत है? पहली चीज़ तो ये है कि हमें ईमानदारी की तरफ जाना पड़ेगा। ये जो हमारे यहाँ पे जागीरदाराना निज़ाम चल रहा है इसको ख़त्म करना पड़ेगा। अब हमारे, आप देख ले हमारे सिस्टम में, अगर आप हमारे निज़ाम, अदलिया का निज़ाम उठा ले, आप हमारी पॉलिटिक्स देख ले, आप हमारे जो भी इदारे काम कर रहे हैं आप देख ले, सब में करप्शन चल रहा है। हमारे मुल्क में अगर करप्शन ख़त्म होगी तो शायद हम इकोनॉमिकली ग्रो करें। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ पहुँचो। थैंक यू। अभी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। क्या नाम है? अरसलान अहमद। अरसलान क्या करते हैं? मैं बीएस इकोनॉमिक्स कर रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। ओह माशाल्लाह। अच्छा अरसलान, आज हम आपके लिए सवाल लेकर आए हैं। सवाल ये है कि हम लोग बात कर रहे हैं, आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी का काफी क्लोजली आपको आइडिया होगा, तो आज हम लोग बात कर रहे हैं एशिया की। तो आपके ख्याल में एशिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज में किन के नाम आते हैं? अगर हम लोग आपसे एक एक रफ सा आइडिया लें, तो आपके ख्याल में इस वक्त फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज एशिया में इमर्जिंग इकोनॉमीज कौन सी? इमर्जिंग इकोनॉमीज में सबसे पहले तो इंडिया है आई थिंक, क्योंकि अब ये टॉप फाइव में ना इसका नाम आ चुका है इंडिया का। उसके बाद पाकिस्तान इज स्ट्रगलिंग टुडेस। बाकी अगर बात कर ले तो पाकिस्तान कर सकता है। बिल्कुल। इसके अलावा बाकी कंट्रीज में बाकी तो सारे डिफॉल्ट ही जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और सिचुएशन, अगर हम लोग पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करें तो पाकिस्तान की इकोनॉमी में जिस तरह से हमारी सिटिंग गवर्नमेंट बात कर रही होती है, जिस तरह से हमारी ऑपोजिशन बात कर रही होती है, यही तासुर मिलता है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो इस वक्त बिल्कुल डिफॉल्ट हो चुकी है और हम लोग IMF के प्रोग्राम के बगैर जो है वो सस्टेन नहीं कर सकते, और ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं ऑल अराउंड द मीडिया। आप एज एन इकोनॉमिस्ट किस तरह से इसको देखते हैं? जहाँ तक बात है हमारे कंट्री के डिफ़ॉल्ट होने की, तो आई डोंट थिंक सो कि ये डिफ़ॉल्ट होगा, क्योंकि पाकिस्तान में ना इतना पोटेंशियल है कि ये ग्रो कर सकता है। बाकी क्योंकि हमारे पॉलिटिकल सिचुएशन कुछ अभी ऐसी हुई हुई है ना, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी एज इट इज़ ग्रो नहीं कर रही जिसको इस तरह करनी चाहिए थी। बाकी मे भी पॉसिबल है अगर इलेक्शन के बाद शायद कुछ हो जाए। अच्छा अरसलान, यहाँ पे मैं आपसे एक और क्वेश्चन करूँगी। आपकी तरफ से ये कहा गया है कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री इन एशिया, तो चाइना के बारे में आप क्या कहेंगे? चाइना को स्किप कर गया। चाइना के बाद ये आता है इंडिया। चाइना तो अगर हम लोग देखें तो चाइना की अगर हम लोग बात करें तो चाइना इस वक्त अगर हम एज अ होल बात करें तो चाइना काफी हद तक क्राइसिस में जा रहा है। इवन के वहाँ के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उनकी तरफ से भी इस चीज का एतराफ़ किया गया है कि हमारी जो सिचुएशन है वो इस वक्त काफी डाउन है, बिकॉज वहाँ पर अभी तक कोविड जो है उसकी सिचुएशन काफी हद तक स्टिल आउट ऑफ कंट्रोल है, और उसकी वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज ने शिफ्ट कर लिया चाइना से। तो आप इस चीज को किस तरह से देखते हैं? क्या ये जो सिचुएशन है ये चाइना का जो ट्रस्ट है ये उसको कम कर रही है वर्ल्ड वाइड? यस, ऑब्वियसली ये ट्रस्ट इनका कम कर रहा है, क्योंकि एक तो वहाँ पे है ना, वहाँ पे कम्युनिस्ट ज़्यादा है, जिसकी वजह से भी इंडिया को एक केले के प्लस पॉइंट मिल सकता है। और जो कि वो सोशलिस्ट है, ठीक है, तो मे भी पॉसिबल है इन फ्यूचर इंडिया चाइना को बीट कर जाए इकोनॉमिक सेंस में।
लेकिन सर अगर हम लोग 2022 की फिगर्स की बात करें तो जीडीपी ऑलरेडी उन लोगों ने जो है क्रॉस किया है, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं चाइना की सिचुएशन एक और तरह से भी वर्ल्ड वाइड देखी जा रही है। हम लोग बीइंग चाइना के हम लोग अलाय हैं इन अ सेंस, लेकिन हम लोग भी पाकिस्तानी भी यही कहते हैं कि चाइना का माल चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। तो क्वालिटी वाइज चाइना के प्रोडक्ट्स पर बड़ा क्वेश्चन किया जाता है, आप इस चीज को किस तरह से देखते हैं? ये चीज भी चाइना की इकोनॉमी को काफी हद तक अफेक्ट कर रही है। आई थिंक ये जो आपने बात की ना कि चाइना की चीज़ों को हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, वो हमारे पर डिपेंड करता है ना, क्योंकि बेस्ट चीज़ें भी चाइना बनाती है। वो मिडल ईस्ट में चली जाती है, लेकिन हम जो कम रेट वाली चीज़ें होती हैं ना वो लाते हैं, जिसकी वजह से ना हमारा जो इमेज बना हुआ है उनके नज़दीक के यार कि ये लोग सही नहीं बनाते चीज़ें, तो आई थिंक ये प्रोस्पेक्टिव है हमारा। अच्छा, तो हमें चाहिए कि अच्छी चीज़ें लें। बाकी अच्छा सर, आपकी तरफ से कहा कि इंडिया जो है वो एज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री एशिया में सामने आ रहा है और फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी भी है आपकी तरफ से कहा गया पूरी दुनिया में, तो हम लोग इस तरफ आते हैं, आपके ख्याल में इंडिया ने जो ये फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री की एक स्ट्रैटेजी अपने कंट्री में एक अप्लाई की है, तो आपके ख्याल में किस तरह से की है, किस चीज़ पर, किस ग्राउंड पर काम किया गया है जो है पाकिस्तान में अभी तक शुरू भी नहीं हुआ? एक तो उन्होंने ना अपने एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ाए हैं पहली बात, और दूसरा उनके ओवरसीज जितने भी है ना उन्होंने काफी हद तक काम किया है अपने इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, खासकर उनका टूरिज्म हुआ इज वेरी बेस्ट जो कि इस चीज में काम कर रहा है। इसके अलावा उनके में मशहूर है कि इफ मोदी इज देयर एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है, तो ये जो उनका लीडर है ना ही इज डूइंग मच बेटर देन हमारे जितने भी पॉलिटिकल वो है। अच्छा सर, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी, हम लोग बात कर लेते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो आपके ख्याल में यहाँ पर बिगेस्ट फ्लॉज क्या है, हम लोगों ने हमारे ओवरसीज जो है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, और हम लोग एज अ नेशन हम लोग भी एक बहुत बड़ी आवाम है, 22 करोड़ आवाम है, लेकिन हम लोग क्या अपनी कंट्री के लिए उतने लॉयल होकर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? देखिए ना, जहाँ तक बात है लॉयल होने की तो पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा लॉयल है, लेकिन हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन कुछ ऐसी है ना, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, वरना आप देखिए इमरान खान के दौर में कितने ओवरसीज ने काम किया है, कितनी फंडिंग हुई है, जो ही अभी ये गवर्नमेंट आई है तो बिल्कुल ज़ीरो पे चली गई है, और एक्सपोर्ट तो ना के बराबर है ना, तो हमें चाहिए ना कि एक्सपोर्ट ज़्यादा करें और इम्पोर्ट को जितना हो सके उतना कम करें, देन वी होप कि इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। इम्पोर्ट्स पर और एक्सपोर्ट्स पर अपनी फोकस करना चाहिए और उसके अंदर एक इक्विलिब्रियम लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं, हम लोग बात कर रहे हैं एशिया की, तो एशिया में आपके ख्याल में स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री, फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री आप किसको देखते हैं? चाइना को ही देख सकता हूँ, जहाँ तक मुझे लगता है चाइना ही है, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा जो है वो ग्रो कर रही है और उसके प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में जो है वो घूम रहे हैं, स्पेशली पाकिस्तान में। जौन सा भी प्रोडक्ट देख लो, उठा के देख लो, वो चाइना ने वो जो है पाकिस्तान में भेजा हुआ है, तो इसी तरह बाकी मुल्कों में भी चाइना ने अपने सारे प्रोडक्ट्स भेजे हुए हैं, तो आने वाले वक्त में ये सुपर पावर की तरफ भी जा सकता है, तो मुझे तो चाइना लग रहा है। तो सर अगर हम लोग बात करें इसी चीज़ के बारे में, हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, दूर नहीं जाते, तो पाकिस्तान में जो चाइना का प्रोडक्ट्स है हम खुद उसके बारे में कहते नजर आते हैं कि चाइना का माल चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, हम खुद कहते हैं ये चीज़ें, तो आप हालांकि जो चाइना है वो हमारा बेस्ट अलॉय है, अगर हम लोग ऑल अराउंड द वर्ल्ड बात कर लें तो अगर हमें कोई भी मुश्किल का सामना होता है तो हम चाइना की तरफ देखते हैं, फिर भी हम लोग चाइना के बारे में ये बातें कर रहे हैं, तो ऑल अराउंड द वर्ल्ड आप खुद जानते हैं कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज चाइना से शिफ्ट भी हुई हैं, इवन कि शी जिनपिंग की तरफ से भी इस जगह पर जो है वो एक इंकशाफ आया था इसके बारे में, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको क्या लगता है कि इस स्टिल चाइना स्टिल यू नो अ वेरी बिग पावर? कोई शक नहीं है वो है पावर और आगे वो सुपर पावर भी बनेगी जहाँ तक मुझे लगता है। और आपने बात की कि चाइना के प्रोडक्ट्स की बात की, तो शुक्र करें चाइना हमारी तरफ प्रोडक्ट्स भेजे, जैसे हमारी तरफ गुर्बत फैली हुई है तो उनको कोई ना कोई तो आसरा चलो थोड़े दिन के लिए मिलता है, मिल तो जाता है ना उनको कि उनको कोई कम पैसों में चीज़ मिल जाती है, नहीं तो पाकिस्तान के हालात तो आपको पता ही है कि माशाल्लाह हमारे कैसे पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने तो गुर्बत ख़त्म करनी थी लेकिन उन्होंने गरीब भी ख़त्म कर दिया, तो मेरे लिए तो चाइना और बेस्ट विशेस फॉर चाइना, अल्लाह पाक उनके लिए कामयाबियाँ और समेटें और वो और कामयाब हों, और पाकिस्तान का हो सके तो कर दें, नहीं तो क्या कर सकते हमारे पॉलिटिशियन जैसे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ आपसे शेयर करेंगे, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, हम लोग बात कर रहे हैं
चाइना की तरफ से और चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्रीज की तरफ से भी इंडिया की तरफ एक झुकाव जो है वो सामने आया। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि इंडिया हमारे साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, अगर नहीं है तो हम बना लेंगे। तो आपके ख्याल में अगर इनका आपस में अच्छा रिलेशन होता है तो पाकिस्तान कहाँ लाएगा? पाकिस्तान, अब पाकिस्तान को क्या कहूँ मैं, मेरा तो दिल से पाकिस्तान छूट गया। पाकिस्तान फारग फारग लोग हैं और फारग ही पाकिस्तान के जो है बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं, ये सब घटिया लोग बैठे हुए हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकते। ना इनको इंसानियत का पता है, ना इनको पता है कि हम मुसलमान हैं, ना इनको पता है कि हम किसकी उम्मत ही हैं। इनको ये भी नहीं पता कि आखिरत भी आनी है, मौत भी आनी है। बस ये बैठे हुए हैं, बगैरत लोग बैठे हुए हैं। तो हो जाए जिसकी मर्जी हो जाए, इंडिया इंडिया तो आगे ही बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। अगर वो उसका चाइना के साथ मामला तो और हो गए तो वो तो फिर पाकिस्तान को वैसे ही रोंद के निकल जाएंगे। पाकिस्तान आगे रोंदा होगा तो अगर वो इंडिया और वो चाइना को हो गए मामला आपस में और ठीक हो गए और पाकिस्तान को उसने साइड लाइन करवा दिया तो फिर पाकिस्तान कर ले ऑफिस। हाँ, क्या कहेंगे पाकिस्तान को, क्या करना चाहिए? पाकिस्तान को बस जो है ना, आप कलमे पढ़ने चाहिए, दुरूशरी पढ़ने चाहिए, इनका आखिरी वक्त ही है और इनका कुछ नहीं हो सकता है। पाकिस्तान कभी भी ठीक नहीं हो सकता है, जो मर्जी कर लें, जो मर्जी कर लें। इमरान खान के पीछे लगे हुए हैं, सारी दुनिया इमरान खान के पीछे लगी हुई है। एक आखिरी उम्मीद है, हर बंदा उसको मारने के पीछे लगा हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि एक अच्छे इंसान के पीछे सारी दुनिया खड़ी है तो उसको ही नहीं ये टिकने दे रहे, उसको ही नहीं ये जिंदा रहने दे रहे, जिंदा रहने का हक नहीं दे रहे, तो फिर आपको कैसा लगता है कि पाकिस्तान के मामला ठीक हो सकते हैं? ये नहीं ठीक हो सकते, ये सब फिरौनी बैठे हुए हैं यहाँ पे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ। जी मैं उस लोगों से की बात जाना, उनका ओपिनियन और अब तक शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप नादुर को दे इजाजत और देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल। आपसे मिलेंगे एक वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।